व्यापारी की कार से 5 लाख रुपए से भरा बैग चुराने वाले 48 घंटे में गिरफ्तार। शिवपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते रोज एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की कार से 5 लाख रुपए चुराने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। शेष आरोपितों की तलाश जारी है। पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर आरोपितों को पकड़ लिया। 2 मार्च को सुबह के समय गुरुद्वारे के पास ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राकेश गुप्ता अपनी कार से जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि आपकी गाड़ी से ऑयल निकल रहा है। ये सुनकर राकेश गुप्ता कार से नीचे उतरे, गाड़ी का बोनट खोला। जब ऑयल लीक होता ना दिखा तो बोनट बंद कर कार में बैठे। उन्होंने देखा कि कार में रखा 5 लाख रुपयों से भरा बैग गायब है। ये देखकर उनके होश उड़ गए, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजेश सिंह चंदेल ने तत्काल आरोपितों पर कार्यवाही करने की बात कहते हुए गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। ये दिल्ली पासिंग कार बलेनो जो कि नीले कलर की संदिग्ध लगी कार में 4-5 लोग संदिग्ध अवस्था में घटनास्थल के आसपास देखे गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश ली गई, जिसकी सूचना दिल्ली में होने की सूचना पर दीपक पलिया, देवेंद्र, नरेश यादव, भूपेंद्र यादव तुरंत दिल्ली रवाना हुए। ये दबिश देकर आरोपित अविनाश मद्रासी पुत्र कामराज मद्रासी 20 साल निवासी मदनगिरी थाना अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार कर नगद कार में 3 लाख रुपए बरामद किए गए। घटना में अन्य 4 आरोपी अजय मद्रासी, राजा नायडू, रौनक मद्रासी, रमेश मद्रासी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इन्हीं कैमरों की मदद से पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाती है। इसी का परिणाम है कि शहर सहित अंचल में हुई चोरियों का पुलिस ने जल्द खुलासा किया है। कहानी ये है कि 2 तारीख को दोपहर में करीब 11:30 बजे ये जो अपना कल्ला पान वाला है सीसई के दुकान के सामने उसने अपनी गाड़ी रोकी थी। उसके कार में 5 लाख का एक बैग रखा हुआ था जो उसको उधारी में देना था। कुछ ट्रांसपोर्टर का काम है तो पेट्रोल पंप पे भी कहीं देना था, कुछ लेबर को देना था, वो रखा हुआ था। अचानक एक लड़के ने आके उसको बताया कि मेरी आपकी कार पे डीजल लीक हो रहा है, ऑयल लीक हो रहा है। तो जब वो देखने निकला उसने बोनट खोला, इसी बीच में एक लड़के ने उनका जो बैग था वो चोरी कर लिया। उसके बाद ये लोग चले गए। जब रिपोर्ट हुई तत्काल हम मौके पर पहुँचे, हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेजों को चेक किया गया, तब उसमें हमारे को एक संदिग्ध गाड़ी जो कि दिल्ली पासिंग थी वो नज़र आई। उसको फिर हमने लगातार ट्रैक किया तो आखिर में ये दिल्ली की गैंग होना मालूम पड़ी। और उसमें करीब 5 लोग थे जिसमें मेन मास्टरमाइंड उसका अविनाश नाम का मद्रासी है, अविनाश मद्रासी, उससे हमने कार बरामद कर ली है और 3 लाख रुपये बरामद कर लिए। अरे ये जो बदमाश है क्या पूरी ऑल इंडिया में अपराध करती है या ये वहाँ अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र है साउथ जोन का, वहाँ पे इसके खिलाफ अविनाश के खिलाफ करीब 9 अपराध पंजीबद्ध हैं, राजे नायडू के खिलाफ करीब 12-13 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके अलावा इनका काम यही है कि ये पूरी 4-5 लोगों की गैंग के साथ में अन अदर स्टेटों में जाते हैं और इसी प्रकार की घटनाएं करते हैं। तो आसपास के क्षेत्रों में भी इनके और कई अपराध पंजीबद्ध हो सकते हैं। शिवपुरी ये अभी सुनने में ये आया कि शायद उज्जैन तरफ से चले आ रहे थे, तो अभी हमने पुलिस रिमांड लिया है तो कहाँ अगर कोई और वारदात की तो उसकी और जानकारी ले लें।